नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। एएमयू हिंदू छात्रा को लॉकडाउन के बाद इंशाअल्लाह पहनाया जाएगा पीतल का हिजाब। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। यहां पर हिंदू छात्रा के साथ कैसा व्यवहार होता है, इसको एएमयू में ही पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा ने ट्वीट किया है। उसने लिखा कि वन मोर थिंग, हिंदू गर्ल्स आर फोर्स टू कवर देमसेल्व इन एएमयू हॉस्टल। इंडियन एजुकेशन इज टीचिंग अस टू स्टे कवर्ड, अदरवाइज इट विल एक्साइट अ मैन टू सेक्सुअलाइज अस। छात्रा के सोशल मीडिया पर इस मैसेज के बाद छात्रा एएमयू के अन्य छात्रों के निशाने पर आ गई। एक छात्र ने उसे रिप्लाई करते हुए लिखा है कि कौन से हॉस्टल में आपको नंगा घूमने से मना कर रहे हैं। साथ ही उसने लिखा कि लॉकडाउन के बाद इंशाअल्लाह आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा, वह भी पीतल का। एएमयू के छात्रा के इस ट्वीट के बाद जिस तरह से उसको अन्य छात्रों के रिप्लाई मिले हैं, उससे छात्रा परेशान हो गई है। छात्रा ने अलीगढ़ के एसएसपी को उस छात्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस ने थाना सिविल लाइन में पीड़ित छात्रा की तहरीर के आधार पर धारा 504, 506, 67 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। छात्रा बुलंदशहर की रहने वाली है। हिंदू छात्रा के इस मैसेज के बाद कैंपस में राजनीति तेज होने की संभावना है। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने भी मामले में एसएसपी अलीगढ़ को एक पत्र लिखा है, जिसमें आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मामले पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के थियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर व इस्लामिक मामले के जानकार प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद ने कहा कि कोई मुसलमान छात्र एएमयू में किसी भी मुस्लिम लड़की को कोई भी अखलाकी तौर पर कह सकता है कि आप अच्छे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े ना पहने जिससे कि कोई दिक्कत हो। यह हिंदुस्तान की तहजीब है। अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से हिजाब का इस्तेमाल करने की बात कह रहा है तो ये गलत है। कोई मुसलमान मर्द किसी मुसलमान लड़की को ज़बरदस्ती नहीं कह सकता, तो किसी गैर मुस्लिम को तो बिल्कुल भी नहीं। कोई मुसलमान लड़का अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की से यह बात कहता है तो इस्लामिक कानून से उसको इजाज़त नहीं है। इस्लाम का कानून किसी गैर मुस्लिम पर नहीं लगता है, यह सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है और उसको पर्दा कहते हैं, हिजाब नहीं कहते। बाकी गैर मुस्लिम पर दबाव नहीं डाल सकते, धमकी नहीं दे सकते। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि कोई मुसलमान स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी मुस्लिम लड़की को भी अखलाकी तौर पर ये कह सकता है बस खाली, और ये कहा भी जाता है एक दूसरे साथियों को कि भाई आप महज़ब कपड़े पहने, ऐसे कपड़े ना पहने जिससे के प्रोवोकेशन हो लड़कों को। तो ये हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है और इसमें अलीगढ़ की कोई ख़ास बात नहीं है। कहीं भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम कोई किसी से बतौर गोया मोहब्बत के या बतौर इंसानियत के ये बात कह सकता है, लेकिन अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से ये बात कहता है और वो कपड़े जो आम पहने जाते हैं, शलवार जम्पर वगैरह और दुपट्टा वगैरह, इसके बावजूद अगर वो कह रहा है और हिजाब का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है, हालांकि वो गलत लफ्ज़ है, हिजाब तो कहते हैं किसी का पर्दे के पीछे या दीवार के पीछे छुपना, वो आम मुसलमान औरतों पर भी फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। तो लेकिन पर्दे की बात ज़रूर है कि मुसलमान मर्दों और औरतों दोनों पे पर्दा है, हद अलग अलग है। तो खैर, लेकिन कोई भी मुसलमान मर्द किसी मुसलमान लड़की को भी ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे कि किसी गैर मुस्लिम, और किसी गैर मुस्लिम को कहने की तो किसी मुस्लिम हुकूमत को भी इसकी इजाज़त नहीं है कि वो किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम औरत को ये कह सके। हाँ, गैर महज़ब और प्रोवोकेटिव जो और ज़्यादा एक्सपोजर वाले कपड़े पहनना जिससे कि जिसम गोया छोटे कपड़े हों झलके, वो तो सबके लिए है और उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई कैद नहीं है। लेकिन कोई मुसलमान लड़का अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की से ये बात कहता है तो इस्लामी कानून के एतबार से इसके कहने की उसको इजाज़त नहीं है, और इस्लाम
ये इस्लाम का कानून किसी गैर मुस्लिम पर नहीं लगता है, ये सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है और उसे पर्दा कहते हैं, हिजाब नहीं कहते। और पर्दे में ये है कि चेहरा, हाथ और पैरों के अलावा और पूरा जिस्म अजनबी मर्दों के सामने मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान नौजवान औरतों को छुपाना चाहिए, बाकी जिस्म छुपाना ज़रूरी है। और इसके लिए नसीहत कर सकते हैं आप, किसी पर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते, कोई दबाव नहीं डाल सकते, धमकी नहीं दे सकते, सिर्फ अखलाकी तौर पर आप किसी को मुतवज्जे कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ मुसलमान को। गैर मुस्लिम को आप ये भी नहीं कर सकते कि सर पर दुपट्टा रखो। स्कूल का प्रशासन, यूनिवर्सिटी का प्रशासन, गवर्नमेंट जो भी जहाँ की है वो अगर ऐसा कहती है या माँ बाप ऐसा कहते हैं तो सिर्फ उनको हक हासिल है। उस्ताद भी अपने बच्चों को इस तरह नसीहत कर सकता है और वो उसकी नसीहत गोया समझी जाएगी, इसलिए कि बाप माँ की जगह वो भी होता है उस्ताद। बाकी किसी को यह हक हासिल नहीं है, हुकूमतों को यह हक हासिल होता है, आम पब्लिक को यह हक हासिल नहीं है। पर अगर उसने किया है तो अपनी जहालत की वजह से वो गलत बात कह गया है। इसकी इजाज़त किसी भी मुसलमान को नहीं है कि किसी भी गैर मुस्लिम को जिसके ऊपर पर्दा फर्ज नहीं है कोई पर्दे का हुक्म दे, जब तक कि वो कोई गैर महज़ब और गैर एक्सपोजर वाला, एक्सपोजर वाले जब तक कपड़े ना पहने हुए हो, जिससे जिसम में बहुत छोटे कपड़े पहनना है और उसमें तहजीब और इंसानियत और शराफत के मुताबिक नहीं है वो ड्रेस, तो बात अलग है, बाकी नहीं कह सकते। सर, जिस तरीके से लड़के द्वारा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया लड़की के लिए, तो क्या मानते हैं? मैं तो यह समझता हूँ कि कोई मुसलमान लड़का ऐसा नहीं कह सकता। अगर उसने दोस्ती में या ताल्लुकात में या क्लास फेलो होने की बुनियाद पर बेतकल्लुफी की वजह से कोई बात कह दी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर उसने ये बगैर उसके कहा है और उसे प्रेशराइज किया है तो ये दुरुस्त नहीं है। और उसको इस सिलसिले में उससे मिलकर लड़की से और अपना माजरत करना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझसे भाई ये गलती हो गई और मैं कुछ आगे बढ़ गया, इस्लाम मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि एएमयू की एक छात्रा पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, उसको शर्म नहीं आती, कह रहा है कि पीतल से बना हुआ इस्लामिक पोशाक हिसाब उसको पहनाया जाएगा, वह भी हमारी बेटी है, लेकिन इसको कहने से पहले सोचना चाहिए। इन लोगों की सोच बदल गई है, इन लोगों की नीयत बदल गई है, यह चाहते क्या हैं? पीतल का बना हुआ हिजाब ये अपने घर में किसी को पहनाएं, वह तो पीतल का ही पहनाएगा और हम किस चीज़ का पहनाएंगे वह दिमाग में रख ले, अच्छी तरह दिमाग में रख ले। यह शिक्षा का मंदिर है, यह राजनीतिक अड्डा नहीं है। लड़कियों के साथ किस तरह की हरकतें की जाएगी, किस तरह का बर्ताव किया जाएगा, पीतल का बना हुआ हिजाब पहनाएगा, बहुत हिम्मत हो गई है, इन लोगों के दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए। मैं कह रही हूँ मुकदमा दर्ज होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इनको गिरफ्तारी भी की जाए, उसको जेल भेज जाना चाहिए, ऐसी धारा होनी चाहिए कि वो भूल जाए किसी की बहन बेटी के साथ किस तरीके से बात करते हैं। वह बेटी अपने घर चली गई है, यह लोग एएमयू छोड़े, हमारा हिंदुस्तान छोड़े और पाकिस्तान चले जाएं। वहाँ किसी को पीतल का पहनाना है, इसको लोहे का पहनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो हम इनकी सोच को अच्छे से बदलना जानते हैं। यह बहुत शर्म की बात है, एक एक चीज का हिसाब ले लिया जाएगा, यह दिमाग में रख ले। देखिए एएमयू की छात्रा की जिस तरीके से एक छात्रा पर इस तरीके के शब्दों का यूज किया गया है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है, उसको शर्म नहीं आती, कह रहा है वो कि पीतल से बना हुआ इस्लामिक पोशाक हिजाब बना करके उसको पहनाएंगे आप बिटिया को, वो भी हमारी बेटी है, लेकिन इसको कहने से पहले सोचना चाहिए। इन लोगों की सोच बदल गई है, इन लोगों की नीयत बदल गई है, ये चाहते क्या है? पीतल का बना हुआ हिजाब ये अपने घर में किसी को पहनाए, और वो तो पीतल का ही पहनाएगा, और हम किस चीज़ का पहनाएंगे ये दिमाग में रख लें, वो अच्छी तरीके से वो दिमाग में रख ले। ये शिक्षा का मंदिर है, ये राजनीतिक अड्डा नहीं है। लड़कियों के साथ साथ
इस तरीके की हरकतें की जाएंगी, इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा, है पीतल का बना हुआ हिजाब पहनाएंगे। बहुत हिम्मत हो गई है इन लोगों की, दिमाग ज़्यादा खराब हो गए, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। मैं कह रही हूँ मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज होने से कुछ नहीं होता है, बल्कि मुकदमा के साथ साथ उसकी गिरफ्तारी हमें चाहिए, उसकी गिरफ्तारी करके उसे जेल भेजा जाना चाहिए और ऐसी धारा में भेजना चाहिए कि वो भूल जाए कि किसी की बहन बेटी के साथ किस तरीके से अब शब्दों का अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है। वो बिटिया डर की वजह से अपने घर चली गई है और वो हिजाब पीतल का पहनाएंगे तो हम भी लोहे का पहनाना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी चीज़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शिक्षा के मंदिर के साथ साथ ये आतंकवादी अड्डा नहीं है। इन लोगों की सोच, इन लोगों की नीयत, इन लोगों का जहन, ऐसे लोगों के जहनियत जब गंदी है तो ये यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़े, हमारा हिंदुस्तान छोड़े, पाकिस्तान चले जाएं और वहाँ किसको पीतल का पहनाएंगे, किसका लोहे का पहनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो हम इनकी सोच को अच्छे तरीके से बदलना जानते हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग बड़े शर्म की बात है, बहुत लज्जा की बात है। जो बिटिया पढ़ने आ रही है शिक्षा के मंदिर में, उसे पीतल का हिजाब पहनाएंगे। एक एक चीज़ का हिसाब ले लिया जाएगा, ये दिमाग में रख लें, वो इस तरीके की बात है ना करें। अभी की बात है, मेरे पास इंग्लास क्षेत्र से परसों कुछ लोग आए थे, हमारी हिंदू बिटिया थी और मुस्लिम लड़के ले गए उठा करके, और 15 AMU के प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने इस मामले पर कहा कि एक लड़की का हमारे पास मेल आया है, एक स्टूडेंट नक्षत्र सिंह जो बाहर की स्टूडेंट है, उसने अपने मेल पर लिखा है एक लड़का है रहबर दानिश, उस लड़के के बारे में उसने लिखा है कि 9 जुलाई को इसने हमारे खिलाफ कुछ असभ्य लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जो सही नहीं है, उसने सोशल मीडिया पर कमेंट भी किया है कि हमारे कि हमको पीतल का हिजाब पहनाएंगे, इस टाइप की बातें की गई हैं, एक कंप्लेंट उसने भेजी है। हमने लड़की के बारे में डिटेल से पता करवाया कि वह BR की स्टूडेंट है, नरोरा की रहने वाली है, साथ ही शाम को हमको लड़के का भी मेल आया है, उसने अपने पक्ष में कुछ कागज़ भेजे हैं, दोनों हमने ले लिए हैं, वह एक कमेटी बना दी है जो मामले की जांच कर रही है, इंक्वायरी करने के बाद में जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बेसिक पर हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, एक लड़की हमारे पास कल ये तहरीर आई है, बल्कि मेल आया है, और जिस हम जो स्टूडेंट है उसका नाम है नक्षत्रा सिंह, BR के स्टूडेंट है, उसका मेल आया और उसने अपने मेल में ये लिखा है एक लड़का है जिसका नाम है रहबर दानिश, उस लड़के के ख़िलाफ़ उसने लिखा है कि 9 जुलाई को रहबर दानिश ने हमारे ख़िलाफ़ कुछ अनसिविलाइज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो उसके लिए डेरोगेटरी हैं, और उसी को लेकर के उसने कहा कि हमारे ऊपर सोशल मीडिया पर भी कमेंट भी किया है इसको लेकर के, हम आपको हिजाब पहनाएंगे और पीतल का या लोहे का हिजाब पहनाएंगे, इस टाइप की बातें उसने ये कंप्लेंट में अपने डाला है। इसके बाद में अभी हमने लड़की के बारे में डिटेल निकलवा लिया है, लड़की है BR की स्टूडेंट और नरोरा की रहने वाली है, और इसी साथ में शाम को हमारे पास एक मेल लड़के का भी आया, रहबर का आया है, उसने कुछ अपना इसमें एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश किया है और कुछ अपने साथ में उसने अटैचमेंट भी लगाए, सोशल मीडिया का अटैचमेंट भी लगाए, अपने साथ अपने डिफेंस पे ही लगाया उसने। दोनों चीज़ों को हमने ले लिया है और हमने एक कमेटी बना दिया है जिसमें डॉक्टर अनवर साहब हैं और एक शीबा मंजूर हमारी असिस्टेंट डॉक्टर हैं, इन दोनों को हमें, चूँकि इसमें एक लड़का भी है और लड़की भी है, तो इसलिए हमने एक अपना असिस्टेंट डॉक्टर मेल और एक फीमेल दोनों को रखा है, और ज़रूरत होगी तो एक हमारा और हम ले लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमने इन दोनों को दिया है कि इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करने के बाद में जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी इसमें होगा गिल्टी होगा, यानी स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल के तहत हम चीज़ों को चलाएंगे, क्योंकि हम जो अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, ये मिसकंडक्ट एंड डिसिप्लिन की कैटेगरी में आएगा,
तो इसके खिलाफ जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डिसिप्लिनरी कंडक्ट रूल 1985 है उसके तहत जो भी कार्रवाई होती है हम कार्रवाई करेंगे। आगे भी इसके अलावा अगर कोई बात होगी जो भी वह गलत चीज़ गलत है चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने कोई गलती किया है तो मैं समझता हूँ कि उसको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसका हमने कॉग्निजेंस ले लिया है और कमेटी बना दिया है, कमेटी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद में हम मैटर को हायर अथॉरिटीज के सामने ले जाएंगे और करके जो भी एक्शन होगा वो लेंगे हम। सर तो कानून के तहत किस तरीके की कार्रवाई रहेगी अगर ये तथ्य सत्य होते हैं? नहीं, जो भी अगर कोई भी जो जिसने किया है तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड कंडक्ट मिसकंडक्ट रूल 1985 उसके डिफरेंट क्लाजेज हैं, तो उसमें ये इनडिसिप्लिन एंड मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। ये अगर इंक्वायरी के अंदर पाया जाता है कि लड़के ने ऐसा क्यों कहा है और गलत है, वो उसमें मिसकंडक्ट इनडिसिप्लिन एंड मिसकंडक्ट माना जाता है, वो प्रोविजंस हैं और उसके तहत हम उनको शिकायत देंगे और आगे जो एक्शन होगा सस्पेंशन होता है, डिसिप्लिन कमेटी के सामने मैटर जाता है, जो डीसी जो भी एक्शन लेना चाहेगी वो लेगी, पूरा मैटर डीसी के सामने जाएगा। सर कैंपस में इस तरीके की बात अगर सामने आती है तो क्या मानते हैं, क्या मतलब ये कैंपस का एक माहौल खराब करने वाली बात है या जिस तरीके से मतलब लड़कों के द्वारा एक लड़की को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई आदमी माहौल की बात तो हम अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये दो इंडिविजुअल के बीच की बात है, कैंपस के अंदर ऐसा कहीं वो दोनों मौजूद भी नहीं इस वक्त, ये सोशल मीडिया पे दोनों की बातें हुई हैं, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आई हैं, तो लेकिन बहरहाल इसका असर इनडायरेक्टली कैंपस के ऊपर तो होता ही होता है क्योंकि इस पर फिर रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन भी सोशल मीडिया पे आने लगते हैं, तो उससे अल्टीमेटली माहौल पे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल अभी ऐसा कोई मसला नहीं मुझे लग रहा है कि कैंपस के अंदर कोई ग्रुप या कोई ऐसा कोई मसला हो, फिलहाल एक दो इंडिविजुअल के बीच में जो बात हुई है और एक लड़की ने अपने आप को एग्री फील करते हुए कंप्लेंट किया, उस कंप्लेंट का हमने नोट फौरन ले लिया है और कार्रवाई आगे हो गई है। अब आगे जैसे जो भी कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी वो होगा, इसमें ऐसी बात नहीं, कोई किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी, अगर कोई किसी ने गलती किया है इनडिसिप्लिन किया है तो उसके कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर ये दोनों छात्र किस ईयर के और किस डिपार्टमेंट के? बीआर फर्स्ट ईयर के, अभी जो हमने देखा कागज उससे लग रहा है कि बीआर फर्स्ट ईयर के लड़के हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के। छात्रा भी सर इसी डिपार्टमेंट की है? हाँ, उसी छात्रा भी उसी डिपार्टमेंट की, बीआर की है। पूरे मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल समानिया ने बताया कि एएमयू की एक स्टूडेंट है नक्षत्र सिंह, इन्होंने लिखित में थाना सिविल लाइन में कंप्लेंट दी है जिसके आधार पर धारा 504, 506, 67 आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें एक छात्र है, वह रहबर दानिश एएमयू का छात्र है, उसने इसको सोशल साइट पर यूनिवर्सिटी खुलने पर पीतल का हिजाब पहनने की धमकी दी है और उन्होंने यह भी अंकित किया कि यह छात्र उनका उत्पीड़न कर रहा है, इससे इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और विवेचना की जा रही है। कल ये एक स्टूडेंट है एएमयू की नक्षत्रा सिंह, इन्होंने रिटर्न में थाना सिविल लाइन पर कंप्लेंट दी है जिसके आधार पर धारा 504, 506 और 67 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसने एक छात्र है रहबर दानिश जो एएमयू का स्टूडेंट है, उसने इसको सोशल साइट पर यूनिवर्सिटी खुलने पर पीतल का हिजाब पहनने की धमकी दी है और इन्होंने ये भी अंकित किया कि यह छात्र मेरा उत्पीड़न कर रहा है, इसमें FIR दर्ज कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। सर ये सोशल मीडिया में जिस तरीके की अपद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि हॉस्टल में नंगा घुमाएंगे, इस तरीके की नहीं, इस तरह नंगा घुमाया गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने ये कहा है पीतल का हिजाब पहनना होगा जब एएमयू यूनिवर्सिटी खुलेगी जी, तो ये सर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभियोग पंजीकृत किया गया, आपको बताया गया है, FIR दर्ज हो गई, विवेचना की जा रही है। अब ये देखना है कि इस प्रकरण में यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या एक्शन लेता है, क्या एएमयू इस पर राजनीति गर्म होगी या पुलिस इससे कोई कार्रवाई करेगी या छात्रा को हिजाब पहनना होगा, इन सबके जवाब के लिए देखते रहिए खबर जगत, जल्द ही मिलेंगे। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।